हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज की वीडियो एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश लिटरेचर के सभी पीरियड्स की डिटेल्ड वीडियो क्रोनोलॉजिकली अपलोड होगी, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड शुरू हुआ था 450 एडी में और खत्म हुआ था 1066 एडी में। 450 एडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि इस ईयर में जर्मेनिक ट्राइब एंजल्स एंड सैक्सन ब्रिटेन की लैंड पर आए और वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहां पर सेटल हो गए। 1066 में एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म होता है विद नॉर्मन कंक्वेस्ट, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे और इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है क्रावन, CRAVN। सी फॉर केल्ट्स, आर फॉर रोमन कंक्वेस्ट, ए फॉर एंग्लो सैक्सन इन्वेजन, वी फॉर वाइकिंग इन्वेजन एंड एन फॉर नॉर्मन कंक्वेस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वो थे केल्ट्स। ब्रिटेन की लैंड के सबसे पहले जो निवासी थे वो थे केल्ट्स। केल्ट्स ब्रिटेन की लैंड में बहुत खुशहालीपूर्ण रह रहे थे, बिकॉज इंग्लैंड की लैंड उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, साथ ही साथ वो लैंड बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। बाहर की ट्राइब्स आसानी से उस लैंड में कब्जा नहीं करती थी, अटैक नहीं करती थी। बट रोमन्स रिपीटेडली ब्रिटेन पर अटैक कर रहे थे। उस वक्त रोमन्स मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स हुआ करता था, बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स हुआ करता था। एंड अल्टीमेटली 55 BC में रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, रोमन ब्रिटेन में आए और वहां पर सेटल हो गए। बट रोमन्स और सेल्ट्स के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था, दोनों में आपसी प्रेम संबंध थे। उन केल्ट्स को भी रोमन के आने से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि रोमन्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे दूसरी ट्राइब्स के अटैक करने से। और रोमन्स ने ब्रिटेन में बहुत सुंदर सुंदर उस समय बिल्डिंग्स भी बनाई। जब रोमन्स ब्रिटेन में आए तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी भी लाए, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज डोमिनेट हुई वो थी लैटिन। इस समय ब्रिटेन में लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। फ्रेंड्स, इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट्स हैं A to Z वो भी लैटिन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। बट अचानक से 407 AD में रोमन्स को ब्रिटेन छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि एक ट्राइब थी विसिकोथ, ये एक जर्मेनिक ट्राइब थी, बहुत क्रूअल ट्राइब थी, जो कि रोम को अटैक कर रही थी। अपनी लैंड को बचाने के लिए, रोम को बचाने के लिए रोमन्स ब्रिटेन से चले गए और रोम में बस गए। सो 407 एडी में रोमन्स चले गए, और 407 एडी में ही पिक्स एंड स्कॉट्स नाम की दो ट्राइब्स आई, जो कि ब्रिटेन पर अटैक करने लग गई। अब केल्ट्स को उन पर उनसे खतरा हुआ, पिक्स एंड स्कॉट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल ट्राइब थी। एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स थी, उन्होंने अपना हेल्पिंग हैंड दिया। उन्होंने केल्ट्स को पिक्ट्स एंड स्कॉट्स के अटैक से बचाने के लिए कहा। केल्ट्स ने उनका वेलकम किया, एंगल सैक्सन्स एंड ज्यूट्स का, क्योंकि वो उनको बहुत क्रूअल ट्राइब्स पिक्ट्स एंड स्कॉट्स से बचा रहे थे। एंड अल्टीमेटली एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स ने पिक्ट्स एंड स्कॉट्स को भगा दिया। अब ब्रिटेन की लैंड में एंजल, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स सेटल हो गए 407 एडी में, और बिल्कुल पूरी तरह से सेटल वो 450 एडी में सेटल हो गए। थोड़े टाइम बाद ज्यूट्स भी चले गए और वो ट्राइब बची एंजल्स एंड सैक्सन्स। सो फ्रेंड्स, आपने देखा एंजल्स एंड सैक्सन्स एज अ मर्सिनरीज आए थे, एज अ हेल्पिंग हैंड आए थे, और उसका एंजल्स एंड सैक्सन्स का बहुत वेलकम भी किया गया केल्ट्स ने। बट उन्होंने केल्ट्स को, जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको माउंटेन्स एरिया में भगा दिया। अब ब्रिटेन की लैंड में राज करते थे एंजल्स एंड
सेक्सन्स। नाउ 737 एडी में वाइकिंग इन्वेजन हुआ, रिपीटेड इन्वेजन हुआ, काफी हिस्सा वाइकिंग्स ने अटैक भी कर लिया था, बट किंग एल्फ्रेड जो कि वेसेक्स के उस समय राजा हुआ करते थे, उन्होंने साउथ ब्रिटेन के सभी किंगडम्स को इकट्ठा किया और वाइकिंग्स को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की, एंड अल्टीमेटली वाइकिंग्स इंग्लैंड से बाहर चले गए और किंग एल्फ्रेड की विजय हुई। 1066 एडी में नॉर्मन इन्वेजन हुआ या फिर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ। नॉर्मन्स फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हुई, बैटल हुई। ड्यूक विलियम्स फ्रॉम फ्रांस ने किंग हेरोल्ड ऑफ इंग्लैंड को हरा दिया और नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया, और इसी से ही एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हो गया। एंजल्स और सैक्सन्स की ट्राइब्स को बाहर निकाला गया और राज हुआ नॉर्मन्स का या फिर फ्रांस का। नाउ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज बेसिकली ओरल ट्रेडिशन में होती थी। ओरल ट्रेडिशन वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन ओरली पास होता था वो लिटरेचर। एलिटरेटिव वर्ड्स का यूज होता था, वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम साउंड। सेम साउंड से जो वर्ड्स आते थे वो रिपीटेटिवली यूज होते थे। इंटरनल राइम का भी यूज होता था। एक लाइन में एक वर्ड आता है जो कि लास्ट वर्ड से राइम करता है, तो इंटरनल राइम का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया है 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, और ये 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एक्सर्टर बुक, वर्सली बुक एंड नॉवल कॉडेक्स। एक्सर्टर बुक को एक्सर्टर कॉडेक्स भी कहते हैं, वर्सली बुक को वर्सली कॉडेक्स भी कहते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी पोएम्स वगैरह हैं वो किसी ना किसी इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हैं। मेजर पोएट्री जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखी गई थी वो थी बियरवुल्फ, विट्सित, डियोर, द वॉन्डरर, द सीफारर, द बैटल ऑफ मेल्डन एंड द ड्रीम ऑफ द रूट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं जो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखी गई। सबसे पहले हम बियरवुल्फ को देखते हैं। बियरवुल्फ एक नेशनल एपिक स्टेटस, बियरवुल्फ को नेशनल एपिक स्टेटस भी मिला इंग्लैंड में। ये एपिक पोयम थी। हालांकि बियरवुल्फ एक स्कैंडिनेवियन एवरियर था, इसकी सेटिंग भी स्कैंडिनेविया में हुई, फिर भी इसको ब्रिटेन में नेशनल एपिक स्टेटस मिला। इसका राइटर बियरवुल्फ का एनोनिमस है। सभी पोएम्स एलिटरेटिव वर्स में लिखी जाती थी, बियरवुल्फ भी एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई। इसकी टोटल 3182 लाइंस हैं और ये नॉवल कॉडेक्स मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसकी ब्रीफ समरी देख लेते हैं बियरवुल्फ की। बियरवुल्फ हीरो था गेट्स का। गेट्स नाम की एक ट्राइब थी जिसका हीरो बियरवुल्फ था। हरोथकार किंग ऑफ डेनमार्क था। हरोथकार ने मीड हॉल बनाया। मीड हॉल एक फीस्टिंग हॉल होता है जहां पे सारे मिनिस्टर्स खाना खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, गाना गाते हैं, किंग से काफी सारे उधर प्राइजेस मिलते हैं। सो बेसिकली ये फीस्टिंग हॉल होता है। तो हरोथकार ने एक मीड हॉल बनाया जहां पे सभी मिनिस्टर्स आते थे, खाना खाते थे, ड्रिंक करते थे और खुशियां मनाते थे। बट एक मॉन्स्टर जिसका नाम था जेनेड्रल, उसने इस मीड हॉल को अटैक किया और वो रोज रात को इस मीड हॉल को अटैक करता था और सभी मिनिस्टर्स को परेशान करता था। बियरवुल्फ ने जब ये कहानी सुनी तो वो हरोथकार को अपना हेल्पिंग हैंड देता है और वो जेनेड्रल को हीरोइकली किल कर देता है। सो दिस इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ किलिंग मॉन्स्टर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं जिसके अंदर बैटल विद मॉन्स्टर जिसका नाम होता है जेनेड्रल, बियरवुल्फ जेनेड्रल की मदर को भी मार देता है। जब जेनेड्रल की डेथ होती है तो जेनेड्रल की मदर बियरवुल्फ को मारने की कोशिश करती है और बियरवुल्फ जेनेड्रल की मदर को भी मार देते हैं। देन
बियोवल्फ जब इन राक्षस को मारकर जब अपने गेट्स में जाते हैं तो उसको गेट्स का राजा बना दिया जाता है। कुछ टाइम बाद बियोवल्फ को अटैक करता है ड्रैगन। जब ड्रैगन उसको अटैक करता है तो वो ड्रैगन को मार डालता है बियोवल्फ, बट ड्रैगन से उसको कुछ मॉर्टल वूंड्स आते हैं, कुछ जख्म आ जाते हैं जिसकी वजह से बियोवल्फ की डेथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर तीन इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैटल विद मॉन्स्टर, बैटल विद मॉन्स्टर्स मदर एंड अटैक ऑफ ड्रैगन। ये मॉन्स्टर और ड्रैगन सिंबलाइज करते हैं, मॉन्स्टर सिंबलाइज करता है अफ्रीका को, ड्रैगन सिंबलाइज करता है चाइना को। सो इस एपिक से ये पता लगता है कि पहले जो वॉरियर्स होते थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कॉन्कर करने में रुचि दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे। बियोवल्फ की भी एक इच्छा थी कि वो अफ्रीका या फिर अफ्रीका और चाइना को कॉन्कर करें। दिस इज ऑल अबाउट बियोवल्फ। नाउ नेक्स्ट इज विट्सित। विट्सित को एक ट्रेवलर्स सॉन्ग भी कहा जाता है। 143 लाइन्स में लिखा गया है, एलिटरेटिव पोएम है। विट्सित एक ट्रैवलर था या वांडरर था जो जगह जगह ट्रैवल करता था, और वो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी वांडरिंग्स के बारे में इस सॉन्ग में बताता है। वो बताता है कि कैसे मीड हॉल्स या फिर फीस्टिंग हॉल्स में उसका स्वागत होता था, कहते वो वहां पर सॉन्ग्स गाता था और सभी वहां पे बैठे हुए लोग उसकी प्रेस करते थे। सो विट्सित इज बेसिकली द ट्रैवलर्स सॉन्ग। नेक्स्ट इज डियोर। डियोर इज द लेमेंट ऑफ द स्कॉप डियोर। एक मिनिस्टर है जो अपनी लेमेंट इसके अंदर बोलता है और वो कंप्लेंट करता है कि उसको दूसरा मिनिस्टर रिप्लेस कर देता है। अब वो किंगडम का मिनिस्टर ना रह के कोई दूसरा मिनिस्टर आता है जो उसको रिप्लेस करता है। सो बेसिकली दिस इज द लेमेंट सॉन्ग। सी फारर, इसमें एक सेलर की लाइफ दिखा रखी है, नाविक की लाइफ दिखा रखी है कि उसकी लाइफ कितनी कठिन होती है, कैसे वो जब वो समुद्र यात्रा में जा रहा होता है, सी वॉयज में जा रहा होता है, कैसे वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कभी तूफान है, कभी आंधी है, कभी बारिश है, इन सब का सामना करता है। और फियर्स ओशियन, बहुत ही ज्यादा डरावने ओशियन का सामना करता है। तो द सी फारर इज द पोएम अबाउट सेलर्स लाइफ। नेक्स्ट इज द वांडरर। द वांडरर इज द स्टोरी ऑफ ए बार्ड जो कि निकाला जाता है किंगडम से क्योंकि उसके लॉर्ड की डेथ हो जाती है। अब वो दूसरे लॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करता है बट उसको दूसरा लॉर्ड नहीं मिलता। अब वो अर्थ में एज अ वांडरर घूम रहा होता है। अब वो लोनली फील कर रहा होता है, बहुत अकेला फील कर रहा होता है और याद करता, उन पुराने दिनों को याद करता था जब उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी और कंफर्टेबल थी। सो द वांडरर इज अगेन लेमेंट सॉन्ग। द बैटल ऑफ मेल्डन, इट इज इनकम्प्लीट। बिगनिंग और एंडिंग दोनों लॉस्ट हो चुकी हैं। इसमें हिस्टोरिकल बैटल दिखाया जाता है ईस्ट सैक्सन और वाइकिंग्स का। अभी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किंग एल्फ्रेड और वाइकिंग्स के बीच में बैटल के बारे में डिस्कस किया है, ऐसे ही बैटल ऑफ मेल्टन में भी हिस्टोरिकल बैटल दिखाई जाती है ईस्ट सैक्सन और वाइकिंग्स का। उस समय इंग्लिश लॉर्ड ब्रेथनॉट थे और इसमें इंग्लिश लॉर्ड ब्रेथनॉट की खूब ज्यादा तारीफ की जा गई है और कहा है कि वो उन्होंने कैसे करेजियसली वाइकिंग्स को ब्रिटेन से भाग दूर भगा दिया। ड्रीम ऑफ द रूट एक रिलीजियस पोयम है। इसमें एक ड्रीम आता है, उस ड्रीम में पोएट एक ट्री को पकड़ के रखता है और एक रूड या फिर एक क्रॉस जिसमें क्राइस्ट की डेथ हुई थी उस क्रॉस को पकड़ता है और ये रूड अपनी एक स्टोरी बताता है। ये क्रॉस जिसमें क्राइस्ट की डेथ होती है वो अपनी स्टोरी बताता है और बताता है कि कैसे जब क्राइस्ट की डेथ हो रही होती है कैसे इस क्रॉस में भी नेल्स के वूंड्स आते हैं, नेल्स के जख्म आते हैं, कैसे इस क्रॉस ने, जैसे क्राइस्ट ने इंसल्ट सही थी वैसे इस क्रॉस ने भी कैसे इंसल्ट सही है। सो दिस इज अबाउट ड्रीम ऑफ रूट। जो राइटर्स बहुत ही ज्यादा फेमस थे वो थे बेडे, कैडमोन, सिनवल्फ, एल्फ्रेड द ग्रेट।
ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पहले राइटर माने जाते हैं, बट वो लेटिन में लिखते थे, वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखते थे। बीडे को सेंट बीडे, वेनरेबल बीडे या बीडे द वेनरेबल भी कहा जाता है। इन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल भी लिखी थी, बट ये लैटिन में लिखी थी। लैटिन में इसका नाम ये है, लैटिन में इन्होंने ये लिखी थी, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च के बारे में बता रखा है इंग्लैंड में, और इसमें क्राइस्ट के बर्थ, सॉरी, इस द मेथड ऑफ डेटिंग इवेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ क्राइस्ट बर्थ दैट इज एडी एनो डोमिनो केम इनटू जनरल यूज थ्रू द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वर्क। इसी वर्क की पॉपुलैरिटी के बाद डेटिंग का मेथड क्राइस्ट के बाद जो 180, 280, 380 का जो मेथड है वो पॉपुलर हुआ। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बता रखा है फ्रॉम द टाइम ऑफ जूलियस सीजर टू 731 AD, जब इस बुक की कंप्लीशन हुआ था। नेक्स्ट इज केडमोन। केडमोन वॉज द अर्लीएस्ट राइटर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हु यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। बीडे थे सबसे पहले राइटर थे ओल्ड इंग्लिश, बट वो लैटिन में लिखते थे, बट केडमैन ओल्ड इंग्लिश के ऐसे राइटर थे जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। केडमैन की हाइम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सिर्फ ये उनका यही एक सर्वाइविंग टेक्स्ट है, बाकी और उनकी पोएम्स नहीं पता, और ये 9 लाइन पोएम है। इसमें केडमैन ने प्रेस की है भगवान की उनकी क्रिएशन के लिए, उन भगवान ने अर्थ बनाई, हेवन बनाई मैन के एंजॉयमेंट के लिए, तो इसमें केडमैन ने प्रेस किया है गॉड को फॉर हिज क्रिएशन। नेक्स्ट इज सिनवल्फ। सॉरी, सिनवल्फ रोट रिलीजियस कॉम्पोजिशन, और वो बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स लिखते थे, जैसे केडमैन ने सिर्फ 9 लाइन में हाइम लिखी, बट सिनवल्फ बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी लाइन्स लिखते थे। उन्होंने लिखे द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स, जूलियाना, एलिन, क्राइस्ट टू, ये सारे इनके वर्क्स हैं। नेक्स्ट इज किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड मैंने आपको पहले भी बताया है, ही वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स, और उन्होंने सभी किंगडम्स को इकट्ठा किया था और वाइकिंग्स को भगाने में पूरा अपना योगदान दिया था। सो किंग एल्फ्रेड ने भी काफी सारी बुक्स को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, एंड ही इज द ओनली इंग्लिश मोनार्च हु इज कॉल्ड एज द ग्रेट। इंग्लैंड का मोनार्क जो कि द ग्रेट के नाम से कहलाया जाता है वो यही है, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इफ यू लाइक माई video, then please press the like button, please subscribe my channel and do share this video. Thank you, have a nice day and best of luck for your exams.